हेलो गाइस, आई होप आप अच्छे होंगे। एंड गाइस, सो आज है संडे एंड गाइस मंडे को मेरा ईवीएस का पेपर है। एंड गाइस चलो मैं आज प्रिपरेशन करूंगी अपने पेपर की। एंड गाइस मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है। एंड गाइस अब चलिए, गाइस मम्मा ऊपर कपड़े धो रही है, तो गाइस चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मम्मा कितने कपड़े धोते हैं। फिर आप सिंपल सा आंसर दोगे, हाँ बताते हैं मम्मी वॉशिंग मशीन में धोती होगी, जैसे सिंचन के पास नहीं, जो नॉर्मल होती है जैसे हमारे देश में आती है ना वो वाली। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी धीरे धीरे। एंड गाइस मैंने एक पियानो पे ट्यून सीखी हुई है, वो मुझे बहुत अच्छे से याद है। एंड गाइस जो मैंने ट्यून वो मैंने बहुत दिनों से मैंने कर रखी है, पहले से मैंने अपलोड कर रखी है अपने इंस्टाग्राम पे। तो गाइस मैं आपको उसका नाम बता देती हूँ क्योंकि ज्यादातर लोगों को पता नहीं रहता है। uv.angel है मेरे इंस्टाग्राम के चैनल का नाम। तो गाइस आप मेरे इंस्टाग्राम, आप पहले अपना इंस्टाग्राम खोलो और uv.angel रिसर्च करो और फिर मेरे चैनल पे जाके उसे फॉलो कर लो। अब देखते हैं, चलो गाइस ऊपर चलते हैं। यहाँ पर गाइस हमारा मंदिर है, यहाँ पर बहुत सारे भगवान हैं, मतलब पूरे तो नहीं है और कुछ यहाँ पर भी भगवान हैं। हाँ गाइस भवनी तो गाइस ये तो डॉगी बन गया, हाँ है ना। चलो ऊपर ले चलो मुझे, भीड़ में भागा और स्पीड हो। सो गाइस इसमें कपड़े धुल रहे हैं, मैं हम इसमें कुछ कपड़े हैं अभी। एंड गाइस मम्मा इसमें एक और एक्स्ट्रा एक धुल गए हैं और ये मेरी ड्रेस। क्या कर रहे हो, चलो फ्लावर दिखाओ। ये गाइस हमारा नींबू का है, गाइस इस पे से इसमें सारी पत्तियां तोड़ दी। ये हमारा है, इस पे मैंने आपको दिखाया भी था कि इस पे बहुत सारे फ्लावर आए थे वाइट, तो गाइस बहुत कम आ रहे थे, बट गाइस ज्यादातर ना इस पे आ रहे थे जो पर्पल कलर के होते हैं वो वाले आ रहे थे। और ये हमारा नीचे और ये हमारा आता है प्यारा सा बड़ा सा गुड़हल। ये गाइस हमारा गुड़हल है। अब तो गाइस देखने में ऐसा लग रहा है ये तो भाई कितना बड़ा हो गया, इसने सारे पौधों की जगह से घेर ली, मतलब जो इसकी जड़ें वो बढ़ती ही जा रही हैं। एंड गाइस दो मनी प्लांट आते हैं, मनी प्लांट है। और गाइस ओह माय गॉड गाइस ये क्या कीड़ा सा पड़ गया है इसमें, इस फ्लावर में। ये गाइस मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, ये देखिए गाइस कितना बड़ा कीड़ा सा इसमें फूल में फंस गया है गाइस, है ना कितना बड़ा सा कीड़ा है। मुझे तो गाइस इसको देख के डर लग रहा है बहुत ही ज्यादा। थोड़े से धमाल धमाल धमाके खेल देख लेते हैं, ये भी क्या कर रहे हैं। अरे क्या कर रहा है भाव, बस भाव करने के अलावा कोई काम नहीं है। तो गाइस ये कपड़े बच गए हैं और मशीन अभी चालू है। मैंने आपको दिखाया था बहुत बड़ा कीड़ा था वो भी एक सनफ्लावर पे। अरे 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 कहाँ लेके जा रहा है, ये क्या है कमरा है। चलो गाइस इस रूम को क्लीन करते हैं क्योंकि मम्मा ने कहा है, चलो फटाफट से इसको क्लीन कर देते हैं। पहले चलो देखते हैं क्या करते हैं, पहले तो यहाँ से झाड़ू लगाते हैं। झाड़ू लगने वाली है, आपको बहुत पसंद, बहुत ही ज्यादा पसंद आई हो तो फटाफट से जो घंटा है वो बजा दो और सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को। और क्या अब आपको हाँ पता है, लाइक कर देंगे इसके लिए। आ देती हूँ यहाँ से, फिर मैं होती हूँ आपसे बात करती हूँ। तो गाइस हाँ, तो हो गया।
अब तो गाइस यहाँ से थोड़ा क्लीन हो गया एंड गाइस चले गाइस हम नीचे चल के क्लीन कर देते हैं। झाड़ू वाड़ू जो भी है वो मम्मी लगा देंगी नीचे की। तो गाइस चले नीचे चलते हैं। सो गाइस मैं नहा ली हूँ एंड गाइस मुझे बहुत ठंड लग रही है एंड मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ कि मम्मा मेरे लिए क्या बनाने वाले गरम गरम। मम्मा सो गाइस मम्मा ये मेरे लिए कॉर्न सूप बनाएंगी। चले गाइस इसका टेस्ट देखते हैं कैसा होगा। गर्म पानी एंड मम्मा ये डाल रही है। अरे वाह कैसा लग रहा है गाइस ये आप देख सकते हो बाल बाल सा आ रहा है। मम्मा ने इसको मिक्स कर दिया ये जो पाउडर है इसका और जो इसमें सब वेजिटेबल्स है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। काफ़ी देर लग रही है एंड गाइस मेरे को तो ये देखने में बहुत टेस्टी लग रहा है। ये हमारा मिक्स हो गया है और होएगा ये तो मिक्स। सो गाइस चलिए इसका टेस्ट चेक करते हैं। ये काफ़ी गर्म है इसलिए गाइस मैं फूंक मार लेती हूँ। गाइस बहुत टेस्टी है इस आप अगर आपने भी ये मंगाया तो गाइस आप इसे कितने नंबर दोगे टेस्ट करने में। बहुत अच्छा है। मैं कप फिनिश करने के बाद आपसे मिलती हूँ। सो गाइस आज हम फाइनली ये क्या लिख रहा है हम ढोकला बनाने वाले खमन ढोकला बनाने वाले हैं और ये गिट्स कंपनी का है एंड ये 3 इजी स्टेप्स में बन जाएगा और यहाँ पर क्या लिख रहा है 20 मिनट्स में। सो गाइस ये पीछे लिख रहा है कैसे बनेगा। पहले तो इस बेस को घोल के अच्छे से पानी डाल देना है फिर इस बैटर को हमें डालना है और फिर इसे डालने के बाद तो गाइस देखिए ऐसा लगेगा। गाइस मुझे तो गाइस देखते मुँह में बहुत पानी आ रहा है। सो गाइस मम्मा इसको बनाएंगी। चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगी मम्मा खमन ढोकला को। फाइनली मम्मा ने चढ़ा दी है कढ़ाई ढोकला बनाने के लिए। मैं आपको लग रहा होगा मैं फाइनली क्यों कह रही हूँ क्योंकि गाइस फिर आप कहोगे कि अरे कब चढ़ाएंगी तो फिर ना इसलिए। एंड ये मम्मा ने कैप चढ़ा दी ताकि ये गर्म हो जाए। सो गाइस मम्मा ने इसको एक कपड़े से क्लीन कर दिया क्योंकि गाइस हम कम इस्तेमाल करते हैं इसका। ज़्यादातर कॉर्न या फिर इडली बनानी हो या ढोकला बनाना हो तभी हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर। ये आ गया हमारा तेल। अब मम्मा क्या करेंगे मम्मा आप इसमें तेल डालोगे ओके तो मम्मा ने एक स्पून ले लिया है। अच्छा मम्मा ये आप इसलिए डाल लो ताकि चिपके ना। सो गाइस मम्मा ने इसमें तेल डाल दिया ताकि चिपक ना जाए क्योंकि गाइस जब हम बैटर बनाएंगे तो चिपक ना जाए ना इसलिए गाइस। तो गाइस देखिए हमारे दोनों प्लेट पे लग गया है। अब गाइस हम बैटर को निकाल देते हैं एक कटोरी में। बट गाइस पहले इसको ओपन तो कर लेंगे ना। ओके सो गाइस मम्मा एक बर्तन ढूंढ रही है। सो गाइस हमें फाइनली मिल गया है एक बर्तन एंड गाइस मम्मा ने इसको नाइफ से कट कर दिया है एकदम बहुत इजी है इसका ओपनिंग। एंड गाइस इसका कुछ इस तरह पैकेट निकला है। इसमें पीछे कुछ ये लिख रहा है ये बाकी का फलाना ढिमकाना चीज़ है ये और गाइस ये लिख रहा है। सो चलो गाइस इसको ओपन कर लेते हैं। मम्मा इसे खोल रही है
इस तरह कुछ, ताकि अच्छे से खुल जाए। अब जी गाइस हमने इस पर कैंच चला दी, ताकि क्योंकि गाइस इसका पूरा भरा रहता है, फिर एकदम से करेंगे तो फिर ना वो सीधे हाथ पे धाके लगेगा। सो गाइस हमने ये बाउल में कर लिया है अच्छी तरह से। इसमें थोड़ा सा और था, मम्मा ने ऐसे निकाल लिया है। इसमें अब हमारा आ चुका है जो हमारे बेस है, जिसकी मदद से बन जाएगा ये ढोकला। अब मजा कर रहे हैं कि अब क्या करना है। शायद मम्मा ने ऐसे निकाल चुके कुछ पहाड़ है। अब मम्मा इसमें थोड़ा सा ऑयल मिक्स करेंगी, 1-2 स्पून कर दिया मम्मा ने ऐड सम ऑयल। एंड अब मम्मा वाटर ले लिया है आरओ से। एंड गाइस ये भी हमारा गर्म हो रहा है। अब गाइस मम्मा ने ये वाटर ले लिया है, मम्मा एक मिक्सर ले लेंगी। ये गाइस मम्मा ने ले लिया है, अब चले गाइस इसको मिक्स करता है। अब मम्मा धीरे धीरे इसको कर रही है मिक्स। इसमें मम्मा ने पानी डाल दिया है, ये थोड़ा सा बच गया है बाकी बैटर के लिए। मम्मा ने सारा बैटर ये डाल दिया है, अब ये बाद में डालेंगे हम थोड़ा सा पानी। देखिए गाइस इसने कितनी पतली सी शेड ले ली है, एकदम से हमने डाला है। गाइस हम जितना ज़्यादा इसमें पानी ऐड कर रहे हैं मम्मा, उतना ही ज़्यादा गाइस आप देख सकते हो उतना ही ज़्यादा ये बैटर पतला होता जा रहा है। मैंने मिक्स कर लिया है और लास्ट ही पूरा अभी बन जाएगा पूरा बैटर अच्छे से मिक्स 20 सेकंड में। तो गाइस मुझे मेरे को नहीं लगता कि ये बन जाएगा। सो गाइस मम्मा ने स्पून से मिक्स करना स्टार्ट कर दिया है। अरे गाइस ये तो बिखर गया, चलो कोई बात नहीं। मम्मा ने बाकी को क्लीन कर दिया है। अरे हाँ 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 अपन तो जाओ टीवी देख लो। तो गाइस जो भी अपना अंदर जाके टीवी देखेगा, अरे मम्मा यहाँ पर ढोकला बनाएंगी। मम्मा ने बैटर डाल दिया, अरे भाई साहब बहुत अच्छा लग रहा है ये तो। गाइस मेरे को तो बहुत प्यार लग रहा है। अब हमने इसका कैप हटा दिया, अब इसे रखते हैं ट्रे को। ओ वाओ आराम से। ओके हमारी पहली ट्रे गई, अब सेकंड ट्रे की बारी। अब हमने थोड़ा सा घोल लिया इसे, ताकि ये बहुत स्लिम में हो जाए। अरे वही वही वही, अब तो गाइस इसमें मेरे को तो लग रहा है कम बैटर है। अरे नहीं गाइस इसमें तो सारा बैटर डाल गया। ये 20 सेकंड्स का मेरे को लग रहा है कि गाइस थोड़ा थोड़ा कि 20 सेकंड्स में ये बन जाएगा। सो गाइस हमने इसके ये दोनों स्टेप्स तो पूरे कर लिए, बस ये लास्ट रह गया है। सो गाइस इसका ये बाकी की है। तो गाइस मम्मा इसे रखेंगे अंदर। हो गया। सो गाइस अब मम्मा कैप रख देंगे। अब गाइस हम वेट करते हैं कि ये कब तैयार हो जाएगा। गाइस मम्मा ने अब मम्मा चेक कर रही है, अगर ये इसमें घुस जाएगा तो इसका मतलब ये बन चुका है। चलिए गाइस देखते हैं इसे जूम करके। अरे वाह ये तो बन चुका है मम्मा, एकदम पूरी तरह से तैयार है। चलो मम्मा इसको बाहर निकाल लो। मैंने वो डस्टबिन में डाल दिया रैपर। अरे भाई अब क्या हुआ, भाई तेल तो हमारा हो गया। अब मम्मा इसे इस कपड़े की हेल्प से उठा रही है, ताकि बहुत गर्म है। मतलब गाइस देखने में अभी अभी डिलीशियस लग रहा है मेरे को तो। अगर आपको भी लग रहा हो तो बताना मेरे को।
तो गाइस मैंने एक के ऊपर एक लेयर चढ़ा दी, अब मैंने बंद कर दिया है गैस इसकी। अब मम्मा क्या करेंगी? अब आप कह रहे हो कि इसमें क्या है? ये मिर्ची है, मम्मा ने मिर्ची तोड़ ली थी। एंड गाइस मम्मा ने थोड़ा सा वाटर ले लिया है, कप, 1 कप। एंड गाइस मम्मा ने फिर से गैस ऑन कर दिया। एंड मम्मा ये क्या है? राई। सो गाइस मम्मा राई डाल रही है, बहुत चीटे लग रही है। अब गाइस इसके साथ मिर्ची डाल दी, अब तो गाइस कड़ी पत्ता डाल दी इसके साथ। अब मम्मा मिक्स कर रही है, अब थोड़ा सा पानी डाल दो। अब मम्मा ने थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। आपको मैं जूम करके दिखाती हूँ। गाइस देखिए कैसा लग रहा है ये, मेरे को तो गाइस अजीब सा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है मेरे को कमेंट में जरूर बताना। ये मम्मा ने थोड़ी सी और डाल दी। अब मम्मा क्या लेंगी? शुगर मम्मा ने इसमें डाल दी, लेमन 1 स्पून। एंड गाइस मैं लेमन लेके आती हूँ। सो गाइस मैं लेमन ले आई हूँ, मम्मा इसे कट कर रही है जैसे हम कटते हैं कट। ये कौन है मेरे पैरों में? यू भी है शायद गाइस। अरे सो गाइस मम्मा ने इसका जो रस है वो मम्मा इसमें डाल रही है। मम्मा ने इसमें रस इसका डाल दिया है। वाह देखो देखो कैसे कैसे उबल सा उबाल सा आ रहा है। अब मम्मा ने एक बड़ी स्पून से मिक्स कर दिया है। एंड गाइस सो ये मम्मा क्या करेंगे? मम्मा आप इसको बाहर निकाल लो। सो गाइस मम्मा इसको निकाल रही है बाहर। आपको बताना है कि अगर आपने भी ढोकला गिट्स कंपनी का ट्राई किया तो आप मुझे कमेंट्स में बताना आपको इसका टेस्ट आखिर में कैसा लगा। ये हमने फर्स्ट टाइम ही बना रहा है। अरे अरे मम्मा ये तो ये क्या हो गया? अरे ये तो मम्मा हो गया, टूट गया। हाँ मैं टूट गया। सो गाइस इसमें चिपका तो थोड़ा बहुत है। मम्मा मेरे को ऐसे आ गया, मतलब गाइस इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा है। आई मीन जैसे हम खाते हैं जो भी रेस्टोरेंट में उससे भी बहुत अच्छा है। मम्मा एक चमचे की मदद से इसको मिक्स कर रही है। मम्मा आप इस पर डाल दो। वही वही वाह वाह वाह। अब आएगा इसमें गाइस स्वाद। आहा 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 लाला हट जाओ बेटा। अब इसमें आएगा बेटा स्वाद, वो भी चटपटा। अभी मीठा बन जाएगा और गाइस इसको ना बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, मैं बता रही हूँ। देखते हैं मुंह में पानी आ रहा है, मुंह कर रहा है। अभी एक पीस उठा के खा लूंगा गाइस। पर गाइस जब ये सारा का सारा रेडी हो जाएगा ना तब खाऊंगी। पर गाइस ये तो अभी रेडी हो गया, 20 मिनट हुए नहीं है, अभी हो गया थोड़ी देर में ही गाइस। तो मम्मा ने बाउल में कर दिया है, ये मैं अब टेस्ट करके बताऊंगी कि मुझे कैसा लगा। ये तो मम्मा ने थोड़ा सा ही खिला दिया था। अब चलिए गाइस इसका टेस्ट बताती हूँ मैं आपको। ये मैं कट कर लेती हूँ दोनों हैंड से। सुपर गाइस बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। एंड गाइस आप भी गिट्स का ये कॉमन जो भी है ढोकला है इसको ट्राई करो और आप बताओ कमेंट्स में आपको ये कैसा लगा। मेरे को गाइस इसका टेस्ट ना बहुत अच्छा लगा, मतलब जैसे जैसे हम रेस्टोरेंट में खाते हैं ना ढोकला वैसा ही लगा, बहुत अच्छा लगा ना मेरे को। चलिए मैं आपको खाने के बाद मिलती हूँ।